हाई वोल्टेज मुकाबला SRH वर्सेस CSK, और ये मैच खेला जाएगा SRH के होम ग्राउंड पे। पता ही है किस लेवल का मैच वहाँ हुआ था, एकदम सारे रिकॉर्ड टूट गए थे, 277 भी वहीं लगा था। तो क्या ये मुकाबला भी वैसे ही होगा, क्योंकि बैटिंग दोनों की डोमिनेट कर रही है और बॉलिंग दोनों का ही सो ही है। तो बात करें इनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैच जीतना ही पड़ेगा, होम ग्राउंड का बहुत सबको एडवांटेज मिल रहा है और इनको अगर नहीं मिले तो क्या फ़ायदा। वही CSK पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो लास्ट मैच DC से बहुत तगड़ा DC ने बॉलिंग किया, नहीं तो यहाँ पर CSK ने ऑलमोस्ट बहुत अच्छा बॉलिंग किया था और ये मैच जीतने का चांस बना सकती थी, क्योंकि बहुत कम रन पे रोका। आपने देखा कि वही पिच पे KKR ने 271 मार दिए। तो कौन सी टीम जीतेगी, मैच कैसा होगा, होम ग्राउंड का एडवांटेज मिल रहा है क्या SRH को? बिल्कुल नहीं। जहाँ CSK खेलेगी वहाँ उनको एडवांटेज मिलेगा। 68% मार्केट बोल रही है कि ये मैच जीत सकती है CSK, SRH के साथ से 32% मार्केट है, और रेट भी इनको फेवर नहीं कर रहा है होम ग्राउंड एडवांटेज इतना डोमिनेट करने के बाद भी, इतना तगड़ा बैटिंग लाइनअप के बाद ही 85 पैसे का रेट यहाँ पे CSK के पास है। तो क्या होगा, देखिए कोई भी टीम अगर फर्स्ट बैट पे आएगी तो बड़ा रन तो मारना ही पड़ेगा, नहीं तो दूसरी टीम के चांस हो जाएंगे पूरे चेज होने के। तो ये मैच अच्छा कमाने वाला हो सकता है फॉर श्योर, क्योंकि दोनों ही टीम का बॉलिंग हल्का है। कहने का मतलब फर्स्ट बैट करने में अगर 200 प्लस भी मार देती है तो चेज होने की संभावना रहेंगे और रेट उठने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा यहाँ पे इस वेन्यू पे, क्योंकि बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा सरफेस है। अब ओवर रन ना मार दे, एकदम आउट स्टैंड कर दे, वो अलग बात हो जाएगी, लेकिन अगर विद इन द रीच मार रहा है तो फिर चांस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे डायमेंशंस भी बड़ा है इस वेन्यू का। तो ध्यान से खेलिए, सेशन यस करके चल सकते हैं, यस वाला ही ग्राउंड है ये, ठीक है। और थोड़ा बहुत यहाँ पे ड्यू फैक्टर भी प्रिवेल करता है, लास्ट मैच में तो नहीं किया, इस मैच में देखा जाएगा ह्यूमिडिटी कैसा, आगे बात करेंगे। 7:30 बजे वाला ये मैच है कल। अब देखिए राठौर प्रिडिक्शन 07, तो यहाँ पे जाके सबसे पहले तो आपको ज्वाइन हो जाना है, सर्च बार में जाइए, सर्च करिए, ज्वाइन हो जाइए खुद को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेशन आता है, मैच आता है, फ़ायदा उठाना है। और 7428525767 पे कॉन्टैक्ट करिए मैच और सेशन के लिए, 6204025293 पे कॉन्टैक्ट करिए कॉलिंग करके, और बाकी यहाँ पे इसको भी स्कैन करके ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम को, और हर वीडियो के नीचे यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहता है, तो जाइए फ़ायदा उठाइए सेशन और मैच का, और काम भी अच्छा चल रहा है तो आपको लॉस रिकवर भी वहीं होके मिलेगा। बाकी देखिए वेदर कैसा, वेदर बढ़िया है, 36 डिग्री का टेम्परेचर, चांस हो रहे, निगेटिव ह्यूमिडिटी है ही नहीं, तो ड्यू फैक्टर नहीं प्रिवेल करेगा। आज भी गुजरात में सबको लग रहा था कि यहाँ पर ड्यू फैक्टर प्रिवेल करेगा, लेकिन प्रिवेल नहीं कर रहा, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत कम है। बाकी सरफेस बहुत अच्छा है बैटिंग के लिए, नो डाउट हाई स्कोरिंग वेन्यू हो सकता है, एक्सपेक्ट करके आप चल सकते हैं। और देखिए टोटल यहाँ पे 72 मैच हुआ है, जिसमें से 33 बार फर्स्ट बैट, 38 बार सेकंड बैट, एक मैच टाई भी रहा है। एवरेज फर्स्ट बैटिंग स्कोर लो दिखा रहा है, लेकिन देख सकते हैं यहाँ पे हाईएस्ट कितना लगा था, 277 रन, और 80 यहाँ पे लोएस्ट है DC का। देखिए 150 से नीचे 35 बार लगा है, 152-169 10 बार लगा है, 172-189 12 बार लगा, और एवव 190 15 बार ही लगा है। लेकिन इसको आप हाई स्कोरिंग वेन्यू मान के चलिए, सेशन यस करके चल सकते हैं मैक्सिमम, नॉट पे चढ़ने का बेवकूफ़ी मत करिएगा, वो आपको लॉस करवा देगा, क्योंकि एक लॉस, एक नॉट फेल होने पे बार बार आप वहाँ पे ऊपर जाने पे नॉट मारिएगा और सारा नॉट वहाँ पे यस होते हुए देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक है कि अपने टीम के हिसाब से सेशन इस मैच में मत खेलिएगा। टीम अगर हारेगी, लग रहा है कि बहुत रन पड़ने लगा, अपोनेंट मारने लगी, तो फिर सारा सेशन आप नॉट करिएगा, बर्बाद होइएगा। 277 देखिए यहाँ पे मारी, MI क्लोज पहुँची 246 तक, 2 विकेट इसमें से पेसर, 1 विकेट स्पिनर्स, और 4 विकेट पेसर, 1 विकेट स्पिनर्स। बाकी 203 का टारगेट यहाँ पे SRH नहीं चेज कर पाई थी, लास्ट ईयर SRH का उतना अच्छा बैटिंग चल नहीं रहा था, और ये 5 विकेट पेसर्स को मिला था, और इसमें से 3 विकेट पेसर्स, 5 विकेट यहाँ पे स्पिनर्स को मिला था। 143 का टारगेट आराम से SRH चेज कर गई थी, PBK इसको रोक ली थी बहुत नीचे स्कोर पे, और यहाँ पे 5 विकेट यहाँ पे 9 में से पेसर्स को, 4 विकेट स्पिनर्स को, 1 विकेट पेसर्स, 1 विकेट स्पिनर्स, 20 विकेट आप देख सकते हैं पेसर्स ने निकाला, और 12 विकेट स्पिनर्स के पास है। तो पेसर्स यहाँ पे आपको फायदेमंद होंगे, स्पिनर तो यहाँ पे पिटाएगा ही पिटाएगा, रन के लिए जा सकता है, क्योंकि कोई मदद नहीं होता है फ्लैट डेक में रात के मैच में। ऐसे भी पेसर्स को हल्का फुल्का स्विंग मिलता है, स्पिनर्स को कुछ भी नहीं है इस वेन्यू पे। 20 मैच में देखिए 5 ही SRH जीती है, CSK 15 जीती है, तो काफ़ी डोमिनेट करती है CSK ओवर SRH। हैदराबाद में 2-2 मैच दोनों टीम जीती है, तो यहाँ पे अपने होम टेन में ठीक है, अच्छा परफॉर्मेंस है SRH का, ऐसा नहीं है कि एकदम हार रही है। बाकी इंडिया में 16 मैच हुआ, 4 ही जीती है SRH, 12 जीती है CSK, तो यहाँ भी डोमिनेशन है, इसलिए इसको फेवरेट भी रखा जा रहा है 85 पैसा। लास्ट 5 मैच देखिए तो CSK 4-1 ही SRH जीती, तो ये काफ़ी यहाँ पे आपको देखने वाला बात है, रीसेंट ईयर में काफ़ी डोमिनेशन है। लास्ट मैच दोनों का ही लॉस है, उससे पहले विन विन है, फिर SRH एक और लॉस खाई हुई है, ये जीती हुई है, विन है लॉस है, लॉस है, तो एक ही मैच जीती है लास्ट 5 में से, और खास करके 3 मैच इस IPL में खेली जिसमें 1 जीती 2 हारी SRH,
और ये लास्ट मैच डीसी से हारी, बाकी दो मैच जीत के आ रही है, तो तीन में से दो यहाँ पे सीएसके का बढ़िया स्टार्ट देखने को मिल रहा है विन के साथ है। 10 मैच का देखिए, लास्ट 10 में से तीन मैच जीती है एसआरएच और एवरेज 194 का, मतलब बैटिंग काफ़ी डोमिनेट है, तो सेशन ये कर सकते हैं इस हिसाब से। 270 हाईएस्ट, 156 लोएस्ट, इनका 10 में से 7 मैच लास्ट जीत के आ रही है। 177 एवरेज फर्स्ट बैटिंग स्कोर, 223 हाईएस्ट और 140 इनका लोएस्ट दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे कि इस वेन्यू पे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे साढ़े 10 मैच खेली है जिसमें से 40% का विन परसेंट रेशियो, यानी 4 मैच जीती है लास्ट 10 में से और 177 तक यहाँ पे मार ही देती है, इससे ज़्यादा ही मारना ही पड़ेगा यहाँ पे जितना है। तो 277 हाईएस्ट, 131 लोएस्ट और 5 मैच यहाँ पे सीएसके खेली जिसमें से 40% का विन परसेंट रेशियो है, तो इनका भी कुछ खास नहीं है, 2 मैच यानी जीती है। 164 एवरेज फर्स्ट बैटिंग स्कोर है और इसको बहुत बढ़ाना पड़ेगा सीएसके को जितना है, तो 223 हाईएस्ट और 132 इनका यहाँ पे लोएस्ट है। सेशन टिप्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो फर्स्ट इनिंग 6 ओवर में 68, देखिए इससे नीचे भी लगे मिले तो यस कर लीजिएगा, बहुत अच्छा बैटिंग सरफेस है। 94, 133 और 187 है, इससे नीचे मिले यस करते चलिए आँख बंद करके। 46, 79, 127, 171, सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा यहाँ पे लो हो जा रहा और फर्स्ट इनिंग ही प्रीफर करेगी कोई भी टीम आजकल, तो यही है कितना भी एडवांटेज सेकेंड बैट हो क्यों नहीं, एक प्रेशर के लिए फर्स्ट बैट कर रहा है और रन बड़ा मार दे रहा है फिर उसको चेज होने नहीं दिया जा रहा है। अग्रवाल, ट्रेविस हेड, ये आउट ऑफ फॉर्म है, हटाया जा सकता है इनको, अब हो सकता है अभिषेक शर्मा ऊपर आ जाए और यहाँ पे जो फर्स्ट डाउन का स्पॉट है वो राहुल त्रिपाठी आके यहाँ पे खेल सकते हैं, वो बेटर कॉम्बिनेशन यहाँ लगेगा क्योंकि जो फॉर्म में नहीं उसको क्यों ढोना। ट्रेविस हेड बढ़िया फॉर्म में, अभिषेक शर्मा फॉर्म में, एडन मार्करम फॉर्म में, क्लासेन फॉर्म में, अब्दुल समद फॉर्म में, शहबाज अहमद फॉर्म में, पैट कमिंस ठीक बॉलिंग कर रहा है, भुवनेश्वर भी सही है, यही बॉलिंग वॉलिंग पिटा रहा है लोग, मयंक मारकंडे भी पिटा ही जा रहा है, जयदेव उनटकर अब यहाँ पे नटराजन खेलते ये खेलते देखने को बनेगा। वाशिंगटन सुंदर तो नहीं आएंगे इस मैच में, उमरान मलिक के साथ टीम जा सकती है, फॉर्म में है लेकिन एक भी मैच अभी तक चले नहीं है, एक आध मैच को छोड़ के, अब इनको चलना ही पड़ेगा टीम को जिताना है तो कैप्टन है। तो रचिन रविंद्रा फॉर्म में, रहाने भी फॉर्म में, डेरियन मिचेल भी फॉर्म में, रविंद्र जडेजा फॉर्म में, रिजवी भी फिनिश कर रहे हैं, एमएस धोनी ने भी क्या लाजवाब बैटिंग के लास्ट मैच, दीपक चहर बढ़िया बॉलिंग कर रहा है, तुषार देशपांडे भी ठीक ही है, मथीसा पथिराना जबरदस्त बॉलिंग, मुस्तफिजुर रहमान भी ठीक बॉलिंग और शिवम दुबे भी अच्छे फॉर्म में। तो ओवरऑल सीएसके यहाँ पे डोमिनेटिंग टीम दिख रही है एज़ कम्पेयर टू एसआरएच, क्योंकि बॉलिंग इनका थोड़ा बेटर है एसआरएच से। ट्रेविस हेड देखिए लास्ट मैच मिस आउट है, 19, 62, 33, 45, 24, नज़र रखिए, बहुत अच्छे ऑप्शन है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, जरूर पिक करिए। 29, 63, 32, 0, 77 बॉलिंग भी करते लेकिन लास्ट दो मैच में बॉलिंग नहीं कराया गया, एक मैच किया है उसमें एक विकेट है लास्ट पांच में से, और इनको भी कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं, अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं इस साल। 16, 11, 32, 8, 59 इनको हटा के चलिए, आउट ऑफ फॉर्म में हो सकता है ड्रॉप भी किए जा सकते हैं। 17, 42, 18, 25, 13 देखिए ये ठीक प्लेयर है, ये थोड़ा मिडिल ऑर्डर को सेटल कर सकता है, आके एक बैक रन मारना नहीं है, थोड़ा सा संभल के खेल रहा है और बेटर प्लेयर भी है इसलिए। 24, 80, 63, 9, 0 लास्ट मैच मिस आउट किया जिसकी वजह से 162 तक ही पहुंची, मार देते तो जीत जाते, और इन पे नज़र रखिए, ये जबरदस्त प्लेयर है, इनको जरूर पिक करना है। 22, 16, 5, 4, 5, 1, 1, 0, 2, 1 शहबाज अहमद बॉलिंग भी करेगा फिनिश कर सकता है, तो ऑलराउंड डिपार्टमेंट में पिक कर सकते हैं। 29, 15, 4, 38, 1 ज़्यादा पॉइंट देके नहीं जा सकते, फिनिशिंग रोल है इनका। 1, 2, 1, 0, 2 बाकी बॉलिंग बढ़िया कर रहा है कमिंस, लास्ट तीन मैच में देखिए तो 2, 3, 1, 4 विकेट है इनके पास। भुवनेश्वर कुमार का बात किया जाए तो 0, 0, 0, 2, 3 एक भी विकेट नहीं है लास्ट तीन मैच में, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम रह रहा है इनका। 0, 2, 0, 2, 4 इनका भी वही हाल है और इस पिच पे इनको खेला गया तो बहुत मार लगने वाला है। 1, 0, 2, 1, 1 विकेट ले ले रहे हैं लेकिन एक आध ओवर ऐसा फेंकते जिसमें मैच ही को डेड कर देते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ का बात किया तो 1, 46, 15, 10, 32 इनका वही हाल रहता है हमेशा, एक मैच चले एक मैच ड्रॉप। अब देखिए इसमें चलना है और इसको हो सकता है ग्रैंड लीग में कैप्टन बना सकते हैं, बढ़िया ऑप्शन है। 45, 12, 27, 13, 24 ठीक है, बढ़िया खेला लास्ट मैच और टफ सिचुएशन खेला क्योंकि बॉलिंग बहुत अच्छा कर रहा था डीसी, तो इनको पिक कर सकते हैं। 2, 46, 37, 62 दो लास्ट दो मैच से बॉलिंग करा ही नहीं गया है। 1, 0, 0 जब ज़रूरत पड़ेगी तो कर सकते हैं और अच्छे ऑप्शन है, फॉर्म में भी हैं, इनको भी कैप्टन बना सकते हैं हेड टू हेड में। 34, 24, 22, 72, 8 DNB 1, 0, 1, 2 लेकिन इनको तेज़ खेलना पड़ेगा, वो टेस्ट स्टाइल यहाँ पे नहीं चलने वाला है, एक ऑलरेडी अजिंक्य रहाणे हैं और दूसरे ये बन रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है यहाँ पे इनकी। 21, 7, 25, 15, 22, 1, 0, 0, 1, 2 इनको आप पिक कर सकते हैं, बढ़िया ऑप्शन है, बहुत बैटर बॉल से कंट्रीब्यूट करेगा। 37, 0, 1, 5, 2 फिनिश करने आएंगे और कर सकते हैं क्योंकि टच दिखा है इनका। 0, 14, 42, 30, 31 ठीक है, अच्छा बैटिंग कर रहा है लेकिन इसको क्या फ़ायदा लेके, ज़्यादा पॉइंट देके नहीं जाएगा। 0, 2, 1, 2, 2 देखिए हल्का फुल्का स्विंग अवेलेबल है तो ये और भुवनेश्वर कुमार विकेट निकाल सकते हैं
और विकेट के लिए फिलहाल तो अभी ये जा रहे हैं, तो इनके साथ जाइए, ये बेटर ऑप्शन है। तुषार देशपांडे भी ठीक बॉलिंग कर रहा है, 0-2-1-0-1-4-4-2-6-7 विकेट है लास्ट पाँच में, तो इनको पिक कर सकते हैं। 1-2-4-1-1 तो यहाँ पे लास्ट देखिए 3-4-2-6-1-7 विकेट, तो इनको तो मस्ट पिक प्लेयर है, इनको पिक करना ही है। और इधर मथीसा पथेना 3-1-2-1-2 हर मैच में विकेट है, तो ये दोनों मस्ट ऑप्शन रहेंगे फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में। बाकी ड्रीम इलेवन टीम आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो क्लासिन के साथ यहाँ पे ट्रेविस हेड, सचिन रविंद्रा, अभिषेक शर्मा, गायकवाड़, रविंद्र जडेजा, मार्करम, डैनियल मिचेल, पैट कमिंस, मुस्तफिजुर रहमान, मथीसा पथिराना। कैप्टन यहाँ पर ट्रेविस, सचिन रविंद्रा, वाइस कैप्टन ट्रेविस हेड, अच्छे ऑप्शन है, ये भी कैप्टन के लिए अच्छे ऑप्शन है आपके पास, और वाइस कैप्टन एक बार इनको ट्राई कर सकते हैं। बाकी ड्रीम इलेवन की अपडेटेड टीम नीचे दे दी जाती है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम पे फ्री में आता है। और राठौर प्रेडिक्शन 07 पे ज्वाइन करिए टेलीग्राम मैच और सेशन के लिए, 7-4-2-8-5-2-5-7-6-7 पे कॉन्टैक्ट करिए, मैच और सेशन के लिए 6-2-0-4-0 पे कॉल कर सकते हैं, 2-5-2-9-3 पे। चलिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट।